गाइज यार वाटर फिल्ट्रेशन वाली जो वीडियो थी उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और उस वीडियो के अंदर हमने कोयले का इस्तेमाल किया था और वो जो कोयला था वो हमने घर पर ही बनाया था। तो उस वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट की कि भैया अब आप क्या करो, आप हमें भी बताओ कि कोयला किस तरीके से बनाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं कोयला। बाबा सबसे पहले अपने क्या चाहिए, पूरी वीडियो देखना, हम बनाने वाले बिल्कुल देसी तरीके से घर पर ही कोयला। तो गाइज यार ये है ईंट बनाने की फैक्ट्री यानी कि ईंट का भट्टा। और गाइज यार इस प्रोजेक्ट के लिए हमें इस तरीके की लाल ईंटों की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम एक मिनी फैक्ट्री बनाने वाले हैं कोयला बनाने की। कितनी ईंटें चाहिए अपने को? 2000। तो गाइज यार 2000 ईंटें चाहिए, भरो ना तो जल्दी भरो। गाइज यार ईंटें यहाँ पे आ चुकी है और हम जो हमारी मिनी फैक्ट्री है वो यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब हमें किस चीज की जरूरत है चमन? पीली मिट्टी की। तो गाइज यार अब हमें चाहिए पीली मिट्टी, तो चलना लेके आते हैं। चलो गाइस, जो पीली मिट्टी होती है वो एक तरीके से सीमेंट का काम करेगी। हम इस भट्टी को, कोयला बनाने की मशीन को बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे तो उसमें जो पीली मिट्टी है वो काम करेगी। तो वो जो मिट्टी है वो ज्यादातर जहाँ पे तालाब वगैरह होते हैं, झीलें होती है, वहाँ पे पाई जाती है। तो वहीं पे हम जा रहे हैं लेने के लिए। तो गाइस यार ये रही पीली मिट्टी, ये भरते ही ये सीमेंट की तरह काम करेगी। ट्रैक्टर यहाँ पे लगा दे। अब हम लेके आएंगे गोबर। गोबर यहाँ पे जैसे सीमेंट के अंदर जब बजरी डालते हैं तो बॉन्डिंग का काम करता है, वैसे ही इस मिट्टी के अंदर गोबर बॉन्डिंग का काम करेगा। इसको खाली करो, गोबर लेके आते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है हमें मिल जाएगा खाद, आ जाओ। गैस ज्यादा नहीं, हमें जो है 15-20 तगारी खाद चाहिए होगा। खाद थोड़ा तुरंत का होना चाहिए, आई मीन गीला होना चाहिए। देखो कुछ इस तरीके का, देखो। तो भाई दिस इज कॉल्ड खाद। चमन बता इसमें कौन सी गैस है? वो आप ही जानो दादा, बताना है। बता दे। चलो बायोगैस। चलो ऑप्शन यू, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड। लॉक कर दिया जाए। तो गाइस यार कोयला बनाने की भट्टी बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी आ गई है। अब बनाते हैं भट्टी। तो भट्टी बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने एक ये लोहे का ये सरिया गाड़ रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक गोला बनाएंगे। तो गोला जो होगा उसका जो डायमीटर होगा वो तो होगा 8 फीट, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक धागे के ऊपर 4 फीट की रेडियस मार्क की है और इससे मैं एक सर्कल बनाऊंगा। अब इस सर्कल के अंदर हमें ईंटों की चुनाई करनी होगी ऐसे करके। चलो शुरू करो फिर। हाँ। करो करो जल्दी करो जल्दी 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 जल्दी। गाइस ईंटों का सर्कल बन गया। अब अपन क्या करेंगे, ये जो मिट्टी हम लेके आए थे इसको गीली कर ली है, और भी मिट्टी लेके आए क्योंकि बहुत ज्यादा चाहिए, तो इसको गीला कर लिया है और इसे जो है सीमेंट की तरह यूज में लेंगे। ले भाई ले, जल्दी ले। तब ना जल्दी आ जा, काम आइयो अपनो। उसके बाद में दूसरी ईंटें जमाएंगे, क्योंकि अब जो ईंटें जमेगी वो ऐसे ऐसे जमेगी। गाइस ये फ्रेम बन गया, अब इसके अंदर बनाते हैं गेट। तो जो गेट है वो अपन रखते हैं चमन इतना, ठीक है, 3.5 का रख देते। एक ईंट आ गई यहाँ पे और एक ईंट हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा गेट होगा और अब जो है इसकी चुनाई शुरू करते हैं। तो इसकी चुनाई जो है स्पेशल तरीके से करनी होगी, तभी ये काम करेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। ईट दे। तो ये एक जो ईट है ये पीछे से थोड़ी सी आगे खिसका के लगाएंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे इसे, और एक ईट अपन लगाएंगे इस तरीके से, दूसरी ईट लगाएंगे इस तरीके से, और फिर ये जो चौथी ईट है वो लगेगी इस तरीके से। हल्का हल्का गैप अभी से बनाते हुए जाएंगे ताकि आगे जल के ये इस तरीके से आकार ले लेंगे। We'll be right back.
गाइस यार अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो भट्टी है वो इतनी बन चुकी है, अभी तक तो इसके अंदर गेट भी निकल गया है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। चमन्ना जल्दी लगा यार, जल्दी लावा, रोटी भी खानी है। गाइस पूरे 7 दिन हो चुके हैं लेकिन फाइनली हमारी कोयला बनाने वाली भट्टियां बन के तैयार हो चुकी है, ये देखो। ओ अल्ले गाइस यार आप देख सकते हैं देखने में कितनी खूबसूरत है। इधर कोयले की भट्टी की जगह हम इसे जो है एज अ हट भी काम में ले सकते हैं। देखो डिजाइन देखो, ऊपर से अभी ये खुली है क्योंकि ऊपर से खुला रखना जरूरी है, और साथ ही साथ बाकी आप देख सकते हैं कि बाहर का जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके का है, ये देखो। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस यार हमने इसके अंदर मिट्टी का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट पैदा होगी और उतनी हीट को सहन करने के लिए मिट्टी ही सही रहती है। जो सीमेंट होती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती है, इस वजह से। बाकी आप देख सकते हैं कि अभी इसे हमें 4-5 दिन और सुखाना होगा, जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगी और मजबूत हो जाएगी तब उसके बाद में यहाँ पे जिस तरीके से मिट्टी का लेप हो रखा है उसी तरीके से इसके ऊपर पूरी तरीके से लेपिंग करेंगे। उसके बाद में लकड़ियां लाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, फिर कोयला बनाएंगे। वो कैसे होगा वीडियो देखते जाओ यार, देखते जाओ, लाइक करो जल्दी। गाइज आज है 15वां दिन, आप देख सकते हैं कि हमने हमारी भट्टी के चारों तरफ लेप कर दिया है और काफी हद तक ये सूख भी गई है। अंदर से ये अभी थोड़ी सी गीली है, ये देखो, तो इसको अभी सूखने देते हैं। तो गाइज यार जब तक ये सूखती है हम करते हैं लकड़ियों का इंतजाम क्योंकि जो कोयला बनेगा वो लकड़ी से बनेगा। चलो लकड़ियां लेके आते हैं। गाइज भट्टी तैयार है, लकड़ियां भी आ गई है, चलो कोयला बनाते हैं। आ जाओ, तो लकड़ियों को हमें इस तरीके से जमाना होगा। आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से अड़ा अड़ा के हमें लकड़ियां इसके अंदर जमानी होगी और इसे फुल भरना होगा। तो गाइज यार अभी हमारी भट्टी भर चुकी है, अब हम क्या करेंगे ये जो गेट है इसे भी ईंटों की मदद से पैक करके बंद कर देंगे। गाइज ये हो गई हमारी भट्टी पैक, ऊपर से थोड़ी सी खाली जगह है उसके अंदर भी लकड़ियां भरते हैं और फिर इसके अंदर लगाएंगे आग। ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, तो ऊपर से हमें जो है इसे भरना पड़ेगा, ये देखो। गाइज ये देखो अभी इसके अंदर भी फुल लकड़ियां भर देते हैं। ऑलराइट गाइस फाइनली हमारी जो भट्टी है वो फुल भर गई है, अब क्या करते हैं इसके अंदर आग लगाते हैं। तो आग लगाने के लिए ऊपर से आग लगाना शुरू करेंगे और आग लगाने के बाद इसे पूरी तरीके से बंद कर देंगे। गाइस इतने दिनों की मेहनत है, अब फाइनली कोयला बनना चाहिए। तो गाइस अब 10 मिनट तक इसे ऐसे ही जलने देंगे ताकि जो लकड़ियां हैं वो आग पकड़ ले। जब वो आग पकड़ लेगी उसके बाद में इसे इसकी मदद से पैक कर देंगे। अब पैक कर देंगे तो आप सोच रहे होंगे कि फिर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी लकड़ियों को जलने के लिए। तो गाइस यार अच्छी चीज़ है, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए आप देख सकते हैं अगर हम नीचे आए, नीचे उतरो, तो गाइस यार ऑक्सीजन मिलती रहे उसके लिए आप देख सकते हैं कि इस भट्टी के अंदर जगह जगह पे छोटे छोटे से छेद है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसी तरीके से नीचे भी है गाइस। तो गाइस यार इस तरीके से जो छेद है छोटे छोटे से उसके अंदर से ऑक्सीजन मिलेगी। इसके अंदर एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देनी होती है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ही कोयले बनते हैं। अगर ऊपर से खुला रह गया या फिर गेट खुला है तो जो लकड़ियां हैं वो कोयला बनने की बजाय राख बन जाएगी, इसीलिए एक कंट्रोल्ड तरीके से हल्की हल्की ऑक्सीजन देंगे जिससे कि जो हाइड्रोकार्बन की चेन्स है वो कोयले के अंदर टूट जाए, कार्बन कार्बन हमारे पास बचे। तो ये पहला प्रोसेस है, अब से कोयला बनना स्टार्ट हो गया है। आज के आज कोयला नहीं बनेगा, इस प्रोसेस के अंदर लगभग 4 दिन लगेंगे और 4 दिन तक हमें इसकी देखरेख करनी होगी भट्टी की, तब जाके हमें कोयला मिलेगा। तो गाइस अब ऊपर से भी इसे पैक कर देते हैं बिल्कुल। गाइज हमारी कोयला बनाने की भट्टी को अभी स्टार्ट हुए 5 घंटे से ज्यादा हो गया। आप देख सकते हैं कि कंट्रोल्ड तरीके से जो लकड़ी है वो अंदर किस तरीके से जल रही है। अगर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे देते खुली हवा के अंदर तो वो राख हो जाती है। आप देख सकते हैं कि हर एक छेद के अंदर से स्मोक निकल रहा है, स्मोक प्लस वाटर वेपर। तो ये जो छोटे छोटे से होल्स हैं यही कोयला बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको ऐसे ही चलते रहने देंगे और धीरे धीरे वक्त के साथ में इन छेदों को बंद करते जाएंगे। जैसे कोयला जो बनेगा वो एकदम से नहीं बनेगा, स्टेप बाय स्टेप बनेगा। पहले यहाँ से इतना लेयर बनेगा, उसके बाद में इतनी लेयर बनेगी, उसके बाद में इतनी लेयर बनेगी, उसके बाद में इतनी लेयर बनेगी। तो स्टेप बाय स्टेप अपन जो है छेद को बंद करते जाएंगे ताकि कंट्रोल्ड तरीके से अंदर आग ना लगे, कंट्रोल्ड तरीके से कोयला बने। और जो अंदर का टेम्परेचर है भाई वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। गाइज आज है 3रा दिन या फिर यू कैसे 3.5 दिन। तो गाइज यार अब जो है फाइनली हमारा जो लकड़ी है वो सारी कोयले के अंदर बदल गई है। इसको हम इस तरीके से टेस्ट भी कर लेते हैं, ये देखो, इस तरीके से सरिया डाल के हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोयला बना है या फिर नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ
कि कोयला बन गया है, लेकिन हमारी जो भट्टी है वो बहुत ज्यादा गर्म है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से धुआं निकलना ही बंद हो गया है, और जितने भी छोटे छोटे से होल छोड़े थे वो सब हमने बंद कर दिए हैं। अब हमें क्या करना होगा, इस भट्टी को कूल डाउन करना होगा। कूल डाउन करने का तरीका यही है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे, डालो, और साथ ही साथ अब जितने भी छेद है उसको ही बंद कर देंगे। अभी गेट को नहीं खोलेंगे, अगर अभी गेट को खोला ऑक्सीजन एकदम से अंदर जाएगी, और हीट की वजह से हो सकता है कि फिर से आग लग जाए और पूरी लकड़ियां राख हो जाए। इसीलिए दो दिन का और वेट करेंगे, जब ये ठंडी हो जाएगी फिर गेट खोलेंगे। तो गाइस यार, फाइनली इतने दिनों की मेहनत के बाद आज आई थिंक हमारा जो कोयला है वो बन के तैयार हो गया होगा। तो आज है वो दिन जिस दिन हम इस भट्टी को खोलेंगे। अभी भी ये काफी ज्यादा गर्म हो सकती है, लेकिन ट्राई करते हैं। खोले खोले, नीचे उतर जा, बड़ा राख जाए, राख खोलो खोलो। तो गाइस अभी भट्टी को खोल रहे हैं हम। हाँ सही है, सही है। ये देखो पूरा पूरी, ये देखो इस तरीके से ये मिट्टी ने, तू खोल ले, आओ खोल भाई, खोल खोल तू खोल, हाँ ले खोल, आयानी आयानी आयानी। गाइस आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, अंदर देखने दे पहले कोयले, आग भाई कोयले बन गए। गाइस यकीन है सारे कोयले बन चुके हैं, नहीं जब हम आपको अंदर से दिखेंगे तब आप कहोगे यार लकड़ियां तो इतनी सारी थी, कोयले इतने कैसे, वो भी पूरा बताएंगे। पहले इसको खोलते हैं, ये भी बहुत ज्यादा गर्म है यार। तो गाइस आप देख सकते हैं इतने दिन ठंडी करने के बावजूद भी इतनी गर्म है। तो गाइस यार अब देखो आप अंदर का नजारा, रुको रुको रुको, देखो अभी देखो अंदर से कोयले किस तरीके से बन गए, अंदर जाके देखो। तो गाइस यार अभी भी इसके अंदर से जो है बहुत ज्यादा हीट है, खोलते हैं पूरा इसको। अगर ज्यादा हीट रहेगी, कुछ कोयले अगर अभी भी अंगारे होंगे तो उसको थोड़ा पानी डाल के ठंडा कर लेंगे। तो अब क्या करते हैं, अंदर अभी भी कुछ हीट है तो उसको थोड़ा पानी से गीला कर देते हैं, वरना क्या होगा, जैसे अपन कोयले को बाहर निकालेंगे उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी और वो फिर से अंगारों के अंदर बदल सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं जैसे ही हमने भट्टी को खोली अंदर आग चालू हो गई, किसी से ऑक्सीजन मिल गई, चलो बुझाते हैं। आवाज कैसे आ रही है, देखो पटाखे चल रहे हैं। चलो गाइस कोयला निकालते और देखते हैं कि कितना कोयला बना है, निकालो। सारा कोयला बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कि जितना भी कोयला है वो निकल चुका है, और जो कोयला है वो यहाँ पे हमने इकट्ठा कर लिया है, ये देखो। तो गाइस 5000 की लकड़ी है, और जो कोयला है उसकी कीमत कितनी है इतने की, 8200। तो गाइस यार जो कोयला है, ये जो कोयला है ये लगभग 400 केजी के आसपास में है, तो जो इसकी कीमत है वो हो जाएगी लगभग 8-8.5 हजार रुपए। तो ये कोयला निकला है, लेकिन कमाल की बात ये कि ये जो कोयला है बहुत प्यारी क्वालिटी का है यार, ये देखो बहुत ज्यादा प्यारी क्वालिटी का है, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, सिर्फ लकड़ी का प्योर कोयला है, ये देखो बिल्कुल प्योर। गाइस अब आप पूछेंगे कि यार कोयला क्यों बनाया जाता है, कोयला बनाने की एक्चुअली में जरूरत क्या है, सीधे ही लकड़ी क्यों नहीं जला ली जाती। तो गाइस यार जो कोयला है वो अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर काम में आता है, आप कोयले की मदद से रॉकेट फ्यूल भी बना सकते हैं, साथ साथ ये जो कोयला है ये कई सारी कॉस्मेटिक्स, जो चेहरे पर आप क्रीम वगैरह लगाते हैं, फेस वॉश वगैरह लगाते हैं, उसमें भी कोयले का चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो कोयला होता है वो जब बर्न होता है तो वो हाई टेम्परेचर के ऊपर बर्न होता है, यानी कि जब कोयले को जलाया जाता है तो बहुत ज्यादा जो है हीट इसके अंदर से प्रोड्यूस होती है, और ये लो स्मोक पे जलता है, यानी कि इसके अंदर से जो धुआं होता है वो बहुत कम निकलता है। तो इस वजह से कोयले को इंडोर भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है, हाई टेम्परेचर की वजह से होने की वजह से इससे लोहे को भी पिघलाया जा सकता है। यकीन मानो आप इस कोयले की मदद से लोहे को पिघला सकते हैं, आप इसकी मदद से रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, आप इसकी मदद से खाना बना सकते हैं, आप इसकी मदद से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और ये कमाल की चीज हमने घर पे ही बनाई है, यहाँ पे ये रहा कोयला, ये कट्टे के अंदर कोयला है, इसके अंदर कोयला है, इसके अंदर कोयला है, इसके अंदर कोयला है, और ये रहा वो देसी जुगाड़ जिसके मदद से हमने कोयला बनाया। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कोयला किस तरीके से बनता है, हालांकि आजकल जो है मॉडर्न मशीनरीज का भी इस्तेमाल किया जाता है कोयला बनाने के लिए, लेकिन ये तो रहा अपना देसी जुगाड़ जिसकी मदद से हमने कोयला बनाया, आपके कमेंट के ऊपर हमने इसे बना के बताया। तो आज के लिए बस इतना ही, हम सब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी सर्दी के टाइम पे अच्छा किया टॉपिक बना लिया, बता क्यों।
तपेंगे ना आराम से। तो गाइस पूरी सर्दी जो है ये कोयला हमारे काम आने वाला है, हाथ सेकने के, मूंगफलियां भूनने के, गर्म करने के और सर्दी से बचने के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए एक बार फिर से जय हिंद जय भारत, बाय बाय, लव यू।